गोगा बेड़ी हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ा एक्शन लेते हुए श्याम नगर थाने के SHO योगेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। सुखदेव सिंह गोगा बेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। लोग मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुखदेव गोगा मेरी हत्याकांड में श्यामनगर थाना के जो SHO हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, लापरवाही के चलते ये सस्पेंशन हुआ है, लेकिन नाराजगी पूरे प्रशासनिक अमले से है। सुखदेव गोगा मेरी हत्याकांड में बड़ा एक्शन लेते हुए श्यामनगर थाना के SHO योगेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगा मेरी की गोली मारकर हत्या की गई थी और इसीलिए यह एक्शन लिया गया। सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों शूटरों की पहचान करने का दावा किया है। गोगा मेरी के घर में घुसकर उन्हें गोलियों से छलनी करने वाले दो आरोपियों में से एक का नाम रोहित राठौर है। रोहित राठौर राजस्थान के नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है। हालांकि वारदात के बाद से उसके घर पर ताला लटका हुआ है। रोहित राठौर पर आरोप है कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर सुखदेव सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी थी। गोगा मेड़ी की हत्या करने वाला ये शूटर रोहित राठौर 3 महीने पहले ही उदयपुर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, जिसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित राठौर पर ये भी आरोप है कि उसने नाबालिग लड़कों के पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की थी। पुलिस को शक था कि ये पासपोर्ट वो लॉरेंस गैंग के इशारे पर बनवा रहा था, क्योंकि लॉरेंस गैंग नाबालिगों का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटरों ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के लिए नवीन शेखावत को मोहरा बनाया था, ताकि वो आसानी से और बिना किसी सुरक्षा जांच के सुखदेव सिंह के घर में दाखिल हो सके। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि नितिन फौजी और रोहित राठौर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि नवीन की गोगा मेड़ी से अच्छी पहचान, और वो आए दिन उनसे मिलने उनके घर जाता। पुलिस के मुताबिक नवीन शेखावत पहले गोगा मेड़ी का गनमैन था, इसके अलावा वो कपड़े का भी कारोबार करता था। सूत्र बताते हैं कि नवीन को दोनों बदमाशों ने गोगा मेड़ी से डील कराने पर अच्छा पैसा देने का झांसा दिया था। मतलब गोगा मेड़ी तक पहुंचने के लिए बदमाशों ने नवीन को मोहरा बनाया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नवीन ने 30 नवंबर को एक गाड़ी किराए पर ली थी, और उसी गाड़ी से वो दोनों बदमाशों को लेकर गोगा मेड़ी के घर गया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि नवीन की गोगा मेड़ी से अच्छी पहचान होने की वजह से बदमाशों की घर के बाहर चेकिंग नहीं हुई, मतलब वो बिना किसी रोक टोक के गोगा मेड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गए, और फिर महज 10 मिनट बाद ही रोहित राठौर और नितिन फौजी ने गोगा मेड़ी की हत्या कर दी। और तो और, दोनों बदमाशों ने रोकने पर नवीन को भी गोली मार दी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि नवीन शेखावत के साथ दोनों बदमाश शादी का कार्ड देने के बहाने गोगा मेड़ी के घर के अंदर दाखिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक कपड़ा कारोबारी होने के अलावा नवीन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से भी जुड़ा था, और इसी वजह से संगठन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से उसकी अच्छी पहचान थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि नवीन शेखावत के बुआ के बेटे की शादी होनी थी, और इसी का न्योता देने के लिए वो गोगा मेड़ी के घर गया था, और दोनों शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी भी उसी के साथ उसके दोस्त बनकर गोगा मेड़ी के घर में घुसे थे। मतलब दोनों बदमाशों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो नवीन के जरिए ही गोगा मेड़ी तक पहुंच सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, नवीन के साथ रोहित और नितिन घर में घुसे और फिर उन्होंने गोगा मेड़ी के सीने और सिर में गोलियां दाग दी। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान है कि जब नवीन दोनों को गोगा मेड़ी तक लेकर गया था तो दोनों बदमाशों ने उसकी हत्या क्यों कर दी। हालांकि पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है और नवीन के मोबाइल और कॉल डिटेल की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस साजिश में नवीन भी तो शामिल नहीं था।